दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों चलिए बिहार के तमाम 15 बड़ी खबरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं। तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं। साथ ही अपनी तरफ से आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें। साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। आज की सबसे पहली खबर, बिहार में राजस्थान जैसी गर्मी, बक्सर में पारा 44.7 पर पहुंचा, जाने अन्य जिलों का हाल। जी हां, बिहार में राजस्थान जैसी गर्मी पड़ रही है। शनिवार को बक्सर में अधिकतम तापमान का सर्वकालिक रिकॉर्ड टूटा। पिछले 24 घंटों में 2 डिग्री की बढ़ोतरी के साथ ही बक्सर का अधिकतम तापमान 44.7 पर पहुंच गया। इससे पहले पिछले हफ्ते ही बक्सर का पारा 43.2 डिग्री पर पहुंचा था, जो अब तक का जिले में अप्रैल महीने में सर्वाधिक तापमान का रिकॉर्ड था। मौसम के माने तो हाल ही के वर्षों में अप्रैल में बिहार के किसी भी शहर का यह सर्वाधिक तापमान है। पारा के उच्चतम स्तर पर पहुंचने से बक्सर व इसके आसपास के लोग दिन भर गर्मी से बेहाल रहे और पछवा का प्रवाह दक्षिण बिहार के कई जिलों को झुलसता रहा। लू की स्थिति बनी हुई है। 42.2 डिग्री के अधिकतम तापमान के साथ ही औरंगाबाद राज्य का दूसरा गर्म शहर रहा। इसके अलावा सूबे के अन्य शहरों में भी पारा 40 के पार रहा। गया में अधिकतम तापमान शनिवार को 41.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जबकि जमुई में 40.1 डिग्री, नवादा में 40.3 डिग्री, सिवान में 40 डिग्री दर्ज किया गया। अगली बड़ी खबर, कोरोना के नए वेरिएंट एक्सी को लेकर बिहार में अलर्ट, रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड पर होगी आरटीपीसीआर जांच। जी हां, मुंबई और गुजरात में मिले कोरोना के नए वेरिएंट एक्सी के बाद बिहार और मुजफ्फरपुर में भी अलर्ट घोषित कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सभी जिले के सिविल सर्जन को अलर्ट रहने का निर्देश दिया है। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि देश के 2 हिस्सों में कोरोना के नए वेरिएंट के केस मिले हैं। पहले भी मुंबई में ही केस मिलने के बाद देश के दूसरे हिस्सों में बीमारी फैली थी। अपर मुख्य सचिव ने निर्देश दिया है कि सभी रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और शहर के प्रवेश और निकास के रास्तों पर आरटीपीसीआर जांच कराई जाए। इसके अलावा एंटीजन जांच भी कराई जाए। अपर मुख्य सचिव ने हीट वेव को लेकर भी प्रभारी सीएस डॉक्टर चंद्रशेखर प्रसाद और एसडीएमओ डॉक्टर सुभाष प्रसाद सिंह को अलर्ट रहने का निर्देश दिया है। अगली बड़ी खबर, दिल्ली मुंबई के लिए मुजफ्फरपुर से मिलेगी वंदे भारत, 14 से 16 घंटे में पहुंचेंगे दिल्ली। जहां उत्तर बिहार से भी दिल्ली व मुंबई आदि महानगरों के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस चलेगी। पूर्व मध्य रेलवे ने 10 वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने के लिए प्रस्ताव बनाया गया है। इसमें 2 ट्रेनें उत्तर बिहार से चलाने की तैयारी चल रही है। सोनपुर रेल मंडल के बरौनी व समस्तीपुर रेल मंडल के सहरसा से वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने की योजना है। दोनों ट्रेनें मुजफ्फरपुर से गुजरेगी। उत्तर बिहार से सेमी हाई स्पीड ट्रेन के रूप में वंदे भारत एक्सप्रेस चलने से यात्री 14 से 16 घंटे में उत्तर बिहार से दिल्ली पहुंच सकेंगे। फिलहाल उत्तर बिहार से दिल्ली तक के सफर में 18 से 20 घंटे का समय लगता है। इसके लिए रेलवे ट्रैकों के नवीकरण व मेंटेनेंस के काम पर जोर दिया जा रहा है। अगली बड़ी खबर, 25 अप्रैल से शुरू होगी इंटर कंपार्टमेंटल की परीक्षा, बीएसईबी ने जारी किया शेड्यूल, हर दिन 2 सिटिंग में होगी परीक्षा। जहां इंटर कंपार्टमेंटल सब विशेष परीक्षा का शेड्यूल बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने जारी कर दिया है। परीक्षा 25 अप्रैल से शुरू होगी और 4 मई तक चलेगी। इस बार परीक्षा का आयोजन 2 पालियों में किया जाएगा। पहली पाली की परीक्षा सुबह 9:30 से 12:45 तक और दूसरी पाली दोपहर 1 बजे से 5 बजे तक होगी। इस दौरान एक साथ इंटर के तीनों संकाय की परीक्षा होगी। इस परीक्षा में पिछले 2 सत्र के फेल परीक्षार्थियों को भी शामिल होने का मौका दिया गया है। आपको बता दें कि विशेष परीक्षा में वो परीक्षार्थी भी शामिल हो सकते हैं जिन्होंने मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन तो किया था लेकिन किसी कारण से परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए थे। बड़ी खबर, अब सप्ताह में 6 दिन चलेगी राजेंद्र नगर बांका एक्सप्रेस, आज से होगा संचालन। जहां राजेंद्र नगर एवं बांका के बीच चलाई जा रही गाड़ी संख्या 132/42, 132/41 राजेंद्र नगर बांका राजेंद्र नगर एक्सप्रेस की बारामरता में वृद्धि की जा रही है। कोरोना काल के बाद सप्ताह में 3 दिन चलने वाले राजेंद्र नगर बांका एक्सप्रेस अब 6 दिन चलाई जाएगी। यात्रियों की समस्या को देखते हुए रेलवे ने यह बदलाव किया है। 10 अप्रैल यानी आज से गाड़ी संख्या 132/42 राजेंद्र नगर बांका एक्सप्रेस राजेंद्र नगर से शनिवार को छोड़कर सप्ताह के शेष 6 दिन परिचालित की जाएगी, जबकि दिनांक 11 अप्रैल से गाड़ी संख्या 132/40 बांका राजेंद्र नगर एक्सप्रेस बांका से रविवार को छोड़कर सप्ताह के शेष 6 दिन परिचालित की जाएगी।
अगली बड़ी खबर, बिहार में हर शख्स को प्रतिदिन मिलेगा केवल 70 लीटर पानी, पेयजल की बर्बादी रोकने पर जोर। हर घर नल जल योजना के पानी के बर्बादी को रोकने के लिए राज्य सरकार अभियान चला रही है। इसके लिए वार्ड स्तर पर युवाओं की निगरानी समिति बनाई जा रही है। इसमें जागरूक युवक युवतियों को शामिल किया जा रहा है। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग ने चालू वित्तीय वर्ष में इस अभियान को पूरा करने का लक्ष्य रखा है। वार्ड स्तरीय निगरानी समिति के सदस्य अपने क्षेत्र में भ्रमण कर देखेंगे कि किस घर में पानी की बर्बादी हो रही है। आपको बता दें कि योजना के तहत परिवार के हर एक सदस्य को प्रतिदिन 70 लीटर पानी देने का प्रावधान है, लेकिन जल चौपाल में यह भी चर्चा होगी कि पानी की किफायती उपयोग कैसे किया जाए। अगली बड़ी खबर, आरजेडी को लगा बड़ा झटका, जगदानंद सिंह के बेटे जेडीयू में होंगे शामिल, 12 अप्रैल को लेंगे सदस्यता। जी हां, राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के छोटे पुत्र अजीत सिंह जेडीयू में शामिल होंगे। 12 अप्रैल को जेडीयू प्रदेश कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में अजीत सिंह पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विकास कार्य और उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर अजीत सिंह जेडीयू में शामिल हो रहे हैं। बड़ी खबर, बिहार में दिन दहाड़े लोहे के पुल की चोरी, ससाराम में सिंचाई विभाग के कर्मचारी बनकर पहुंचे चोर, जेसीबी से तोड़ा और ट्रक पर लाद कर ले गए। जी हां, बिहार के रोहतास जिले के ससाराम में दिन दहाड़े लोहे के पुल का चोरी होने का मामला सामने आया है। चोर सिंचाई विभाग के कर्मचारी बनकर गाँव में आए और जेसीबी से पुल तोड़ दिया, फिर गैस कटर से काट कर लोहा ट्रक पर लाद कर आराम से चलते बने। वही विभाग को इस पूरी घटना की भनक तक नहीं लगी। चोरी के 3 दिन बाद विभाग ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। पुल चोरी के मामले में रोहतास पुलिस ने एसआईटी गठित कर दी है। एसपी मौके पर जांच करने पहुंचे हैं। बड़ी खबर, बिहार में फिर महंगी हुई आईटीआई की पढ़ाई, निजी केंद्र की फीस में 8 साल बाद 70% की बढ़ोतरी, अब ग्रामीण और शहरों सेंटरों की फीस भी बराबर। जहां बिहार के 1201 निजी आईटीआई में पढ़ाई अब महंगी होगी। प्रशिक्षण महाविद्यालय ने ग्रामीण इलाकों में 11,000 तो शहरी इलाकों में 9,500 रुपए सालाना फीस बढ़ा दिया है। इसका असर बिहार में 2.5 लाख छात्र छात्राओं पर होगा। डीजीटी की ओर से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक 8 साल बाद फीस में बढ़ोतरी हुई है। नई फीस अगस्त 2022 से शुरू होने वाले सत्र में नामांकन लेने वाले प्रशिक्षकों पर लागू होगा। इसके साथ ही अब ग्रामीण और शहरी केंद्र के फीस में भी एक कर दिया गया है। अभी तक ग्रामीण और शहरी इलाकों के आईटीआई के लिए शुल्क अलग अलग तय था। बड़ी खबर, मुकेश सहनी को लगा बड़ा झटका, राजभूषण समेत वीआईपी के 90 नेताओं ने ली भाजपा की सदस्यता। जी हां, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने शुक्रवार को बिहार भाजपा के प्रभारी भूपेंद्र यादव, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, उप मुख्यमंत्री रेणु दुबे की मौजूदगी में बड़ी संख्या में वीआईपी नेताओं को पार्टी की सदस्यता दिलाई। इनमें वीआईपी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष डॉक्टर राजभूषण चौधरी निषाद, वीआईपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शम्स आलम उर्फ गुड्डू प्रमुख थे। इनके अलावा वीआईपी के कई जिला अध्यक्षों ने भी भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। बड़ी खबर, चारा घोटाला मामले में कोर्ट ने 22 अप्रैल तक के लिए टाली लालू यादव की जमानत याचिका। जहां चारा घोटाला में सजा काट रहे राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जमानत याचिका पर सुनवाई टाल दी गई है। झारखंड हाईकोर्ट ने 22 अप्रैल तक के लिए लालू यादव की जमानत की सुनवाई टाल दी है। कोर्ट ने सीबीआई को काउंटर एफिडेविट फाइल करने का आखिरी मौका दिया है। सीबीआई ने लालू की जमानत का विरोध किया है। डोरंडा ट्रेजेडी केस में लालू यादव को 5 साल जेल की सजा सुनाई गई है। लालू ने जमानत के लिए हाई कोर्ट से गुहार लगाई थी। आपको बता दें कि शुक्रवार को सुनवाई के दौरान सीबीआई ने जवाब दाखिल करने के लिए समय देने का आग्रह किया है। इस आग्रह को जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने स्वीकार करते हुए सीबीआई को 22 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। बड़ी खबर, एयरपोर्ट और मेट्रो में दिखेगा बिहार के पर्यटन स्थलों की झलक, होर्डिंग बैनर पोस्टर लगाएगा विभाग। जहां देश के हवाई अड्डा और मेट्रो स्टेशनों पर बिहार के पर्यटन स्थलों की झलक दिखेगी। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए पर्यटन विभाग ने यह निर्णय लिया है। इसके तहत विभाग की ओर से होर्डिंग बैनर पोस्टर भी लगाए जाएंगे। कोरोना काल में सबसे अधिक असर पर्यटकों पर हुआ है। बीते कई वर्षों से बिहार में पर्यटकों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही थी, लेकिन वैश्विक महामारी कोरोना के कारण वर्ष 2020 और 2021 में पर्यटकों की संख्या में काफी कमी आ गई है। अब चूंकि कोरोना का कहर धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, इसलिए सरकार ने तय किया कि एक बार फिर से पर्यटकों को बिहार लाया जाए। इसलिए पर्यटन विभाग ने तय किया है कि मौजूदा वित्तीय वर्ष में देश के सभी एयरपोर्ट, मेट्रो के अलावा अन्य प्रमुख व सार्वजनिक स्थलों पर बिहार के पर्यटन स्थलों की जानकारी दी जाए। इसके लिए विभाग ने शॉर्ट फिल्म तैयार करने का निर्णय लिया है।
अगली बड़ी खबर, आज यानी 10 अप्रैल से 18 प्लस के सभी लोगों को तीसरा डोज लगेगा। नए वेरिएंट के खतरे के बीच सरकार का बड़ा फैसला। 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को 10 अप्रैल यानी आज से कोरोना वैक्सीन का तीसरा डोज लगाया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसे प्रिकॉशन डोज नाम दिया है। हेल्थ वर्कर्स और 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को यह मुफ्त में लगाया जाएगा, जबकि बाकी वयस्कों को भुगतान करना होगा। यह प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर पर लगाया जाएगा। यह डोज सिर्फ उन्हीं को लगाया जाएगा जिनकी उम्र 18 से अधिक है और जिन्होंने दूसरा डोज 9 महीने या उससे पहले लगवाया था। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ आदार पुनावाला ने बताया कि कोविशील्ड के प्रिकॉशन डोज की कीमत 600 रुपये होगी। इस पर टैक्स भी लगेगा, जिसके बाद इसकी कीमत कुछ और होगी। पुनावाला ने बताया कि कोवैक्स को अब बूस्टर डोज के तौर पर मान्यता मिली है, तो इसकी कीमत 900 रुपये होगी। इसके ऊपर टैक्स भी लगेगा। बड़ी खबर, पेट्रोल डीजल के बाद अब पटना में सीएनजी भी हुई महंगी। आम आदमी पर बड़ा किराए का बोझ। आम आदमी पर महंगाई का बोझ बढ़ता ही जा रहा है। खाने पीने के सामान के साथ अब सफर भी महंगा आने वाला है। पटना में पेट्रोल डीजल और घरेलू व्यवसायिक गैस की कीमतें बढ़ने के बाद अब सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में भी बढ़ोतरी हो गई है। सीएनजी की कीमत बढ़ने से यात्रियों को ढोने वाले ऑटो कैब टैक्सी आदि के गैस लागत बढ़ गई है। इस वजह से ऑटो और टैक्सी वालों ने किराया बढ़ा दिया है। और उनकी बड़ी खबर, जानलेवा गर्मी से बीमार हो रहे स्कूल बच्चे, छुट्टी पर जल्द फैसला ले सकता है जिला प्रशासन। जो अप्रैल महीने से पड़ रही जानलेवा गर्मी ने जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया है। सबसे ज्यादा परेशानी स्कूल बच्चे को हो रही है। पटना के सभी छोटे बड़े स्कूल खुल चुके हैं। स्कूलों का संचालन भी मॉर्निंग शिफ्ट में चल रहा है, लेकिन छुट्टी के वक्त पड़ने वाले जानलेवा गर्मी की वजह से बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। तेज गर्मी और धूप की वजह से स्कूली बच्चों के बीमार होने का आंकड़ा में बेतहाशा वृद्धि हुई है। मौसम में बदलाव और तापमान में इजाफा डिहाइड्रेशन चक्कर आना उल्टी और दस्त जैसी शिकायतों को बढ़ा रहा है। पटना के अस्पतालों में बीमार बच्चों की संख्या हाल के दिनों में बढ़ी है। जानलेवा गर्मी को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग पहले यह संकेत दे चुका है इस बार गर्मी की छुट्टियां पहले ही कर दी जाएगी। आज के आपका सवाल बताया कि बिहार के स्कूलों में गर्मियों की छुट्टी कब से करनी चाहिए। इसका जवाब आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।